पटना विधानसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर के दिल पकड़ा करके नेतृत्व में क्या कुछ खास कहा है? देखिए इन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गांव की नहीं ये कम से कम 25 गांवों की समस्या है। जो सीकरी से भनकपुर होते हुए ध्वज तक जो रोड गया है उसकी हालत बहुत खराब है। लोगों का आवागमन मैं कहता हूँ इतना दुर्बर हो गया लोगों के लिए आना जाना, और ये अपनी समस्या को लेकर मुझे मिले हैं और इनकी समस्या का 100% निदान कराए जाएंगे। नाबार्ड में इनका केस 22 करोड़ की लागत से भेज दिया गया है। बहुत जल्दी बरसात के बाद उसकी सीएम साहब ने अप्रूवल दे के रामनाड में चला गया, उसको हम निकलवाएंगे। लेकिन बरसात में ये आवागमन सुगम रहे, मोटरेबल कम से कम हो जाए, मैंने एक्सी साहब को आज आदेश दे दिए हैं कि उसको मोटरेबल किया जाए कि लोग आ जा सकें। एक दूसरा इनका काम है कि 25 गांवों के लिए सीकरी से होकर चक्कर लगा कर आना पड़ता है, इनके लिए एक आसान अप्रोच बन सकती है कैली से लेकर मोहला तक, जो दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे हाईवे बना है उसके साथ साथ एक सर्विस लेन 1 किलोमीटर की बन जाए तो इन सारे 25 गांवों का ये शहर हाईवे पर आना सुगम हो जाएगा। उसके लिए भी मैंने NHAI वालों से बात कर ली है, बहुत जल्दी उसका एस्टीमेट बढ़ाकर पूरी कोशिश होगी कि NHAI से उसकी अप्रूवल जाकर इन 25 गांवों को राहत मिले आवागमन में, उस पर भी पूरी तरह से हम काम करेंगे और ये आवागमन भी इनको एक नया एंट्री हाईवे के लिए कराएंगे। लोकसभा स्तर की रैली है, क्या कुछ खास देखते हैं, किस नज़र से देखेंगे? देखिए ये रैली पूरे लोकसभा की है और लोगों का पूरा सहयोग इस रैली के लिए मिल रहा है, और ये रैली हमारे यहाँ लोगों के सहयोग से हमेशा एक से एक बड़ी रैली हुई है और ये रैली भी ऐतिहासिक होगी। देखिए आप देखिए मैं सुनो हमारी रैली में पहली बार नहीं, आप हमेशा देखते हो हमारी रैली में 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग आते हैं, और इसमें भी इसी तरह 50,000 से ऊपर लोग इस रैली में आएंगे, पूरा इलाका जाएगा। को लेकर मंत्री जी के पास क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन नहीं, यहाँ तो काम मिलता है, हम आए अपना दुख बोला, काम समाप्त हो जाएगा। और एक आए तो हम किस लिए थे, एक चीज और अलग से दे दी, उसके लिए हम अपने ताऊ जी का धन्यवाद करते हैं और आपके माध्यम से पूरी लोकसभा को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं रैली में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आए, जिससे हम सेवा करने की और शक्ति हमें प्रदान हो। देखिए हम झूठा वादा लोगों से नहीं करते, आप देख लो चनावली के लोग धरने पे बैठे थे, आज चनावली में पुल बन रहा है, मिडकोला के लोग की मांग थी कि हमको वहाँ से एंट्री दी जाए तो उनकी मांग उठाई, तो लोगों की समस्या के समाधान के लिए हम बने हैं मंत्री जी। तो हम हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का कोई भी वर्ग कोई भी लोग परेशान रहे उनकी परेशानी का प्राथमिकता के तौर पे समाधान कराया जाए, ये मेरी हमेशा कोशिश है। बल्लौर में एक जाम की समस्या निरंतर बनी रहती है, उस जाम से कब छुटकारा? देखिए अभी बहुत जल्दी उसके लिए देखिए हमने अभी ये जो बल्लमगढ़ का रेलवे का फ्लाईओवर है ये भी हमने 6 लेन का मंजूर करा दिया, बहुत जल्दी शुरू होगा। और यहाँ पर ये सोना वाला जो फ्लाईओवर है ये भी 4 लेन का है, जमीन ले ली है, इस पर भी काम शुरू होने वाला है। और बल्लमगढ़ में जो जाम का कारण है जो गुड़िया का कट बन गया बंद हो गया है उसके कारण है, बहुत जल्दी जैसे हमने अभी बघोला में मित्रौल औरंगाबाद में और मुंडकटी में 25 करोड़ के और फ्लाईओवर हमने मंजूर कराए हैं, बघोला में हमने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू हो गया है, और तीन महीने बाद मित्रौल औरंगाबाद में पहले बना हुआ एक और पास करा दिया वो भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मुंडकटी का भी। लेकिन इसके साथ साथ और कई ऐसे हैं जैसे बल्लमगढ़ की मंडी है वहाँ पर लोगों को बहुत जाम लगता है, एक एक गुड़ियर बल्लमगढ़ में लगता है, तो गुड़ियर के ऊपर भी और वहाँ भी हम बहुत जल्दी वहाँ पर दोनों जगह फ्लाईओवर बनवा रहे हैं जिससे बल्लमगढ़ को जाम से मुक्ति मिल जाए। और बल्लमगढ़ में शहर में वैसे भी हम लगभग 300 करोड़ की लागत से बल्लमगढ़ को और दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे हाईवे जोड़ने के लिए पूरा बल्लमगढ़ के ऊपर से एक एलिवेटेड हम पुल बनवा रहे हैं जो हाईवे से चढ़ेंगे और दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे पे जाके उतरेंगे, तो एक नया एक जाम से मुक्ति के लिए हम वो भी करा रहे हैं। एक हमारे गांव में जी इतना बढ़िया काम कर रहा है, सोमवार बजे आज करवा दी मंत्री जी ने, हम लोग बहुत बहुत इतना।